जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लोग रील लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, रील लिमिटेड वही कंपनी है जिसने अभी हाल ही में अपने निवेशकों को एक शानदार रिटर्न निकाल कर दिया है। एक अच्छी कमाई कराने के बाद अभी इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है, जिस वजह से स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ आने लगा है। लेकिन वो लोग जो काफ़ी दिनों से स्टॉक में बने हुए थे, इस कंपनी के चार्ट को देख कर उनको पता लग रहा था कि अब इसमें ब्रेकआउट होने वाला है और उनकी कमाई होने वाली है, वो तो अभी इस स्टॉक से कमा कर निकल गए। लेकिन जो लोग जब इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा था और ऊपर की तरफ बढ़ते हुए प्राइस को देखकर जिन लोगों ने एंट्री बनाई थी यहाँ पे उनको अब नुकसान होने लगा है, क्योंकि प्राइस अब यहाँ से नीचे की तरफ आने लगा है, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है प्रॉफिट बुकिंग। जब प्रॉफिट बुकिंग होता है तो जाहिर सी बात है शेयर का प्राइस थोड़ा डाउन जाएगा। तो उनकी जो चिंता है उसकी चिंता को इस वीडियो में दूर करने का प्रयास करेंगे, साथ में नए लोगों के लिए और क्या अपॉर्चुनिटी है जो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्या उन्हें पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, थोड़ा सा ही प्रॉफिट बुक करना चाहिए, इसमें और तेजी आएगी, सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू से करते हैं। अभी देखेंगे तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 20.40 रुपये पर चल रहा है। एक दिन में तकरीबन देखेंगे 7% के आसपास प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। ये जो गिरावट देख रहे हैं ना 7% के आसपास, ये प्रॉफिट बुकिंग है जिसकी वजह से स्टॉक में इतनी भारी गिरावट एक दिन में देखने को मिली है। पिछले एक सप्ताह हम देखेंगे तो एक सप्ताह हम तकरीबन 12% से ज़्यादा ये स्टॉक टूट चुका है। पिछले एक सप्ताह में ग्राफ देखिए कितना तेजी से नीचे की तरफ इस स्टॉक का आ रहा है। पिछले एक मंथ में देखेंगे तो एक मंथ में तकरीबन 26% के आसपास से स्टॉक ऊपर की तरफ चढ़ा है। एक मंथ का रिटर्न अभी भी पॉजिटिव है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग अभी हाल ही में शुरू हुआ है इस स्टॉक में। सिक्स मंथ में तकरीबन 20.5% के आसपास से स्टॉक आपको चढ़ते हुए नजर आएगा। देखिए, रील लिमिटेड ही एक ऐसी कंपनी मुझको अभी तक देखने को मिली हाल के दिनों में जितने मैंने पेनी स्टॉक पर वीडियो बनाया है, जिसमें एक मंथ और सिक्स मंथ का रिटर्न यहाँ पर आप देखेंगे तो पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आ गए हम लोग स्किनर की वेबसाइट पर और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस कंपनी के चार्ट के माध्यम से यानी कि टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझ लेते हैं कि हाल ही के दिनों में जिस प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, प्रॉफिट बुकिंग के बदलाव शेयर कहाँ तक नीचे जा सकता है ताकि जिन लोगों को नुकसान हो रहा है उनकी चिंता थोड़ी सी कम हो सके। यहाँ पर देखेंगे अभी मैंने आपके लिए एक साल का इस कंपनी का चार्ट ओपन किया हुआ और एक साल के चार्ट पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि काफी दिनों से इस स्टॉक का जो प्राइस था 12 रुपये से लेकर 16 रुपये के बीच में स्टॉक का प्राइस काफी दिनों से आपको घूमते हुए नजर आ रहा है। मई 2023 में इसमें ब्रेकआउट हुआ। अब ब्रेकआउट हुआ तो सबसे पहले यहाँ पर जो 18 रुपये का लेवल है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया और प्राइस इसके ऊपर नहीं निकल रहा था। हालांकि थोड़े समय बाद ही इसका ब्रेकआउट हुआ और सीधे प्राइस चला गया आपको 24 रुपये के आसपास। अब 24 रुपये के आसपास जाने के बाद जब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुआ तो उसके बाद प्राइस देखेंगे तो यहाँ से प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगा और तकरीबन 20 रुपये के आसपास इस कंपनी का प्राइस आ गया। अब सवाल यह है कि क्या यह प्राइस फिर से 18 रुपये तक आ सकता है? अब जवाब ये भी हो सकता है, यहाँ प्राइस 18 रुपये तक आ सकता है लेकिन क्या 18 रुपये से भी नीचे आएगा? इसका जवाब है नहीं। 18 रुपये से नीचे आने के संकेत तो नहीं है क्योंकि अभी भी इस स्टॉक में पोटेंशियल बना हुआ है। अब देखिए, जो नए लोग इस कंपनी के बढ़ते हुए शेयर प्राइस को देखकर यहाँ पर कहीं एंट्री लिए थे, वो प्राइस नीचे आने की वजह से यदि लॉस में चल रहे हैं तो उन्हें क्या करना है? उन्हें सबसे पहले क्या करना है कि प्राइस को अभी नीचे आने देना है 18 रुपये के आसपास। यदि 18 रुपये के लेवल के आने के बाद ये प्राइस यहाँ से रिट्रेसमेंट मारकर ऊपर की तरफ फिर बढ़ जाता है तब तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन 18 रुपये से यदि और भी नीचे जाने लगता है, 18 रुपये की प्राइस नीचे जाकर सस्टेन कर जाते तो आप इसमें से तुरंत बाहर निकल जाएगा, क्योंकि फिर हो सकता है कि इसमें प्राइस ऊपर जाने में थोड़ा समय लग जाए, ये अभी कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता। रील लिमिटेड जो कंपनी है यहाँ पर स्पष्ट आप देख पाएंगे कि टेक्सटाइल के बिजनेस से कंपनी जुड़ी हुई है, साथ में रियल एस्टेट डेवलपमेंट एक्टिविटीज में भी कंपनी थोड़ी बहुत इन्वॉल्व है और बेसिकली ये महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में ही कंपनी अपना सेवाएं प्रदान करती है। देखिए, काम काफ़ी बढ़िया है, रियल एस्टेट में काम करने वाली कंपनियों में पैसा बनेगा, थोड़ा देर पर बनेगा लेकिन बनेगा ही बनेगा। और जैसे टेक्सटाइल सेक्टर में इंडिया ग्रोथ कर रहा है, टेक्सटाइल सेक्टर में भारत राजा बनने वाला है, यह आप मानकर चलिए फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी इस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होने वाला है। काम फंडामेंटल की बात करें तो देखेंगे तकरीबन 250 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक का पी 18 के आसपास है, ये अभी पी काफ़ी महंगा है, यहाँ पर थोड़ा सा संभाल के आपको इसमें नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो करना होगा। हालांकि नए इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस ठीक नहीं है, जहाँ पर मैंने चार्ट के माध्यम से आपको समझाया था। शेयर प्राइस देखेंगे, शेयर प्राइस तकरीबन इस कंपनी के जो बुक वैल्यू से काफ़ी अधिक है, ये बहुत बढ़िया बात है कि शेयर प्राइस बुक वैल्यू से अधिक है। और यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छा है, 16% के आसपास है, इसी वजह से जैसे स्टॉक में आपको पैसा बनते हुए दिखा है। आरओ यदि ज़्यादा है तो ये काफ़ी बढ़िया बात है, यानी कि साल भर में आपके जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट है किसी भी कंपनी में उस पर कंपनी कुछ ना कुछ कमा कर देगी ही देगी। थोड़ा सा यहाँ पर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट की बदौलत ही पता चलता है कि फंडामेंटल कितना मजबूत हो रहा है। तो देखिए, सेल्स की बात करते हैं, देखिए सेल्स पिछले 3 क्वार्टर में देखेंगे तो सेल्स कंपनी का बढ़ते हुए आपको दिख रहा है, यानी कि कंपनी की जो कमाई है वो धीरे धीरे लगातार बढ़ते ही जा रही है और कमाई बढ़ने के साथ साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए दिखेगा। ये देखिए, ये रहा नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट पिछले 3-4 क्वार्टर में देखें तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो भी आपको बढ़ते हुए देखेंगे, क्योंकि कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। यानी कि ओवरऑल कहें तो फंडामेंटल कंपनी का मजबूत हो रहा है, फंडामेंटल मजबूत हो रहा है, प्लस कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है उसमें भी अग्रणी है और इस क्षेत्र का भारत में भविष्य है, इसलिए
जो रील लिमिटेड कंपनी है इसमें यदि अभी आपका इन्वेस्टमेंट है तो मुझे नहीं लगता कि आपको बेच के निकलना चाहिए अभी हाल ही के दिनों में जो इसमें गिरावट आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी देखेंगे तो इस कंपनी का जो रेंज है वो 16 रुपये से लेकर, जैसे मैंने आपको बताया 16 रुपये से लेकर 18 रुपये के बीच में, तो आपको इंतजार करना चाहिए अभी इसके बीच में आने का। यहाँ पर आगे फिर प्राइस कंसोलिडेट करने लगेगा और कंसोलिडेशन के बाद फिर इसमें एक ब्रेकआउट होगा तो आपका इसमें पैसा बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ रील लिमिटेड के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि ट्रेडिंग करके शेयर मार्केट से रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पे मैं स्टॉक में अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।